Hi friends, today I am again here to teach you how to make these all beautiful phones. So before starting, I would request you to please like, share and subscribe my channel. So let's start. So I'm going to start with my first phone, that is a simple one. Let's start. सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचे, उसका ट्रायंगल बना दे। अगर मैं वर्ड लिख रही हूँ पीक, मुझे पी चाहिए उसके लिए, तो पहले एक स्ट्रेट लाइन का मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब मैं इसको फिल कर दूंगी, फिर इसमें पी बनाऊंगी। या मैंने इसको नीचे से मोटा रखा है, अब मैं इसका अपोजिट करूंगी, मैं इसको ऊपर से मोटा रखूंगी। हमारा वर्ड था पीक। ई में भी मैं ऐसी करूंगी। इस फॉन्ट में क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश करते हो। ई, अब इसमें भी मैं ट्रायंगल्स बना रही हूँ। के, के मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। ये देखिए, ऐसे बनाया है। तो हमारा फर्स्ट फॉन्ट ये था। नेक्स्ट है बहुत सिंपल फॉन्ट, इसको आप अपने नेम से भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा नेम है राशि, तो मैं पहले अपना नेम लिखूंगी सिंपली। अब मैं इसका फॉन्टिंग चेंज करूंगी, जो आपको सबसे पतली लाइंस लगती है उनको थोड़ा थिक कर दें। या मैंने सारी लाइंस को थिक कर दिया है, ए के साथ भी ये करें। बस हो गया सिंपल। नेक्स्ट फॉन्ट में हमें सर्कल्स बनाने हैं, तो जैसे मैंने यहाँ नाम लिया है प्रिया, तो मैंने इसका पी कुछ ऐसा बनाया, उसी के अंदर और सर्कल्स बना दिए हैं। आर में, आई में भी सर्कल्स बनाए हैं, वाई में भी मैंने सर्कल्स बनाए हैं, और ए के अंदर भी मैं सर्कल बना रही हूँ। तो ये था ना एक बढ़िया तरीका प्रिया लिखने का। उसके बाद सेम इसमें जो इसमें किया है वही इसमें करेंगे, बिल्कुल सेम। हर लाइन को हम थिक करेंगे, ए के अंदर भी। ये भी एक सिंपल फॉन्ट था। जो नेक्स्ट फॉन्ट है हमारा, वो चिलर फॉन्ट है, मतलब इसमें हर चीज चिल मार रही है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे नाम लिया है अंडरस्टैंड, या फिर कोई वर्ड लिया है जैसे कि नेवर, जैसे रागी नहीं ले लिया एक बार के लिए, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। स्टार्ट डार्क से करेंगे लेकिन एंड लाइट पे करेंगे। स्टार्ट में डार्क से किया, छोड़ दिया। इसे कहती हूँ मैं चिलर फोन, क्योंकि ये फोन नीचे से इसकी कोई शेप नहीं है, इसलिए इसको चिल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डूम्स फोन। इसमें मैं हर चीज को ज्यादा ब्रॉडन करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिया रेड, रेड, तो मैं पहले आर लिखूंगी, उसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगी, क्योंकि मुझे इसको ब्रॉडन करना है। मैंने हर चीज को बड़ा बड़ा लिखा है, अब मैं इसको ब्रॉडन कर दूंगी। अब
अब बस इस सब की फिलिंग करेंगे। मैंने यहाँ इन सबकी फीलिंग अच्छी तरीके से नहीं की है, हमें सारी फीलिंग एक मार्जिन में करनी है। ये लीजिए बस, ये था हमारा डूम्स फॉन्ट। अब जो हमारा फॉन्ट है ये बहुत सिंपल फॉन्ट है, इसे कोई भी लिख सकता है, बस आपको अपनी खुद की राइटिंग को थोड़ा स्ट्रेट करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ ब्राइट कलर्स, तो हम ऐसे लिखेंगे, हर चीज एक अच्छे मैनर से होगी, सबकी लेंथ एक, सबका साइज एक, सबकी विड्थ एक, जैसे कि यहाँ पे है, सब कुछ लाइन में है, सब कुछ लाइन में, सबकी साइज एक है, सबकी साइज एक है। नेक्स्ट फॉन्ट में हम सब इटैलिक में लिखेंगे, यहाँ पे मैंने अपना नाम इटैलिक में लिखा है। याद रखिए मैंने कर्सिव बनाने की कोशिश करी है, आपको भी कर्सिव बनानी है। इस फॉन्ट में हम लिखेंगे सब ऐसे ही, लेकिन उसका स्टाइल बदल जाएगा, देखिए कैसे। जैसे मैंने यहाँ लिखा पेंट, मैंने लिखा इसे बहुत सिंपल है, मैंने इसे लिखा बहुत सिंपल है, अब देखिए चेंज कैसे होता है। हो गया ना बिल्कुल चेंज। और अगर आप चाहें तो इसको डार्केन भी कर सकते हो, ऐसे। नेक्स्ट फॉन्ट है हमारा रिंगी फॉन्ट, इसमें सारी रिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ मैंने सब में रिंग्स बनाई हैं। नेक्स्ट भी आप इसको डार्कन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डब्लू को डार्कन किया है, आप ऐसे सारे वर्ड्स को डार्कन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। इसमें क्या है इस फोन की खासियत कि इसमें सारी रिंग्स होंगी। ज़रूरी नहीं है मेरे सारे फोन्स की स्पेलिंग सही हो, स्पेलिंग कैन बी डिफर, बट आप इसकी फोन्स पे डिज़ाइन दीजिए कि हमने क्या डिफर किया है हर चीज़ में। नेक्स्ट फोन्ट है, इसको मैं कहती हूँ कर्लिंग फोन्ट, जैसे कि ये मैंने यहाँ सिंपल वर्ड लिखा है, ये सिंपलिटी में तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन जब मैं इसको चेंज करूंगी ये बिल्कुल बदल जाएगा। हमारा नेक्स्ट और लास्ट फॉन्ट भी इस फॉन्ट की तरह एकदम सिंपल है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। इसको आप जितना गिरा के बना सकते हैं बनाए। इस फॉन्ट में सारी लाइंस होती हैं, सारी से कर्वेशियस लाइंस होंगी, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रेट नहीं होता है। अब मैं इसको आपको डार्कन करके दिखाती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि हमने क्या शब्द लिखा है। आपका जो वर्ड है ना, सिर्फ उसे डार्क कर दे। जैसे मेरा वर्ड था ये, तो मैंने बस इसको डार्क किया, तो मुझे पता चल गया कि इसमें मैंने जीन्स लिखा है।